पिंकी सुन, डेटशीट आ गई यार। क्या पढ़ के सुना? बहन, एग्जाम शुरू है होली के 2 दिन बाद से। क्या? आज तो किताबों को भी अच्छा महसूस हो रहा होगा, इतने दिन बाद जो खुली है। मम्मी, होली के 2 दिन बाद से एग्जाम शुरू है, मुझे पढ़ने दो प्लीज। क्या, होली पर कौन एग्जाम रखता है? ऐसे बढ़िया ही है, होली का उड़दंग कम होगा घर में। पर होली तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, मुझे भी होली खेलनी है। मुझे भी खेलनी है होली। थोड़ी देर के लिए खेल लियो, फिर पढ़ने बैठ जाइयो चुपचाप। बोर्ड के एग्जाम है, फर्स्ट आ जाओ, नहीं तो पापा शादी करा देंगे। रिंकी दीदी की हुई थी ना, बिल्कुल वैसे ही। सुन लो मुझसे, इतनी पढ़ी हुई होती तो कलेक्टर होती, तेरे पापा से ब्याह न रचाती मैं। तू समझा? हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली आंटी। अरे नहीं भी बेटा, हैप्पी होली, हैप्पी होली। ये ले गुजिया खा। थैंक यू आंटी। वो आंटी पिंकी कहाँ है? मैं उसके साथ ग्रुप स्टडी करने आई हूँ। पिंकी, पिंकी तो अंदर बैठ के पढ़ रही है, जा। आंटी एक गुजिया और दे दो ना प्लीज। हाँ हाँ बेटा ये लेना, हमने तो भंडारा लगा रखा है ये। थैंक यू आंटी। कोई चीज मांगने में शर्माती नहीं है, बिल्कुल रुचिता पे गई है। यार तो पढ़ नहीं रही। यार ने भी तुमने मुझे डरा दिया। अच्छा सुन यार, कल ना मुझे सबसे पहले सचिन को कलर लगाना है, लेकिन मम्मी मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं देंगी। ओहो, जीजू के साथ होली। हाँ पर कहाँ जाने देंगी मम्मी? यार मैंने ना सचिन को बोल दिया है, तुम ना घर के बाहर आ जाना, फिर मैं ऊपर से पानी डाल दूंगी और होली खेल लूंगी। यार कितना मजा आएगा। पर यार मेरी मम्मी तो मुझे पिचकारी दिला ही नहीं रही, कह रही है कि एग्जाम में कोई होली नहीं खेलनी। मेरे पास तो पिछले साल वाली रखी है, उससे होली खेल लूंगी। मेरा नाम मिन्नी भी है, मैंने भी इंतजाम कर लिया, बोतल में छेद करूंगी, इसमें पानी भरूंगी, फिर खेलूंगी होली। वाह यार, तू तो कितने बड़े जुगाड़ू है। हैप्पी होली। बाहर वालों को लगाओ कलर, सब घर में ही खर्च कर दोगी। अभी खाना भी बनाना, सारा खाने में कलर चला जाएगा, केमिकल होता है इनमें। और ये पिचकारी लेके चल तो दिए बाहर, अगर कपड़े गीले किए और घर आई तो ना टांगे तोड़ दूंगी तेरी। में मम्मी होली है आज, नहीं करूंगी गीले कपड़े। मैं तो मना ही करती रहती हूँ हर चीज को। और जल्दी आइयो, एग्जाम है। ये बच्चे भी ना, सारा खाना भी बनाना है, सब काम करना है। वो रही श्रुति, इसके पीछे स्कूल के सारे बॉयज पड़े रहते हैं, आज इसको कलर लगाकर इसके ब्यूटी का स्यूटी करना पड़ेगा, चल। जय होली। जय होली। श्रुति आजा ना यार, हमने गुलाल में कलर नहीं मिलाया है। नो मैं नहीं आऊंगी, मेरी स्किन सेंसिटिव है, इसमें ना बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। आजा एक छोटा सा टीका लगा देंगे। गॉड प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस श्रुति, ठीक है आ रही हूँ। सारे कपड़े गीले हो गए, अब मम्मी मेरी टांगे तोड़ देंगी। बहन मेरी मम्मी तो मुझे घर में घुसने नहीं देगी यार। हे भगवान, बीमार मत करना, मेरा एग्जाम है, अगर मैं बीमार हो गई, एग्जाम नहीं दे पाई तो मम्मी मेरी शादी करा देंगी।
नहीं तू शादी मत करना, मैंने सुना है शादी के बाद तो लड़कियां मोटी हो जाती हैं। अपने पड़ोस वाली काश्मी दीदी के साथ भी तो ऐसे ही हुआ था। हाँ यार, फिर वो एक छोटा सा बेबी लेकर घर पर आ गई थी। नहीं यार, मुझे शादी नहीं करनी। एक काम करते हैं, वहां पर धूप आ रही है, वहां पर जाकर अपने कपड़े सुखा लेते हैं। चल चल। हैप्पी होली। इतने अच्छे पापड़ तो काफी लग रहे हैं। इनके दोस्त आएंगे, होली विश के साथ साथ एक एक उठा के खाते रहेंगे। बाकी गुजिया और रख देती हूँ। नहीं नहीं, इतनी गुजिया काफी है, असली देसी घी में बनाई है, और चाय हो जाएगी। वैसे चिप्स पापड़ थोड़े से और भूल लेती हूँ, इनके दोस्त और रिश्तेदार दोनों ही खाऊआ है, सब खा जाएंगे, हमारे बच्चों को तो कुछ बचेगा ही नहीं। पिंकी कहाँ, अभी तक आई नहीं। पिंकी पता नहीं कहाँ। हेलो मिसेस अग्रवाल। अरे कहाँ है आपके हम जोली, होली पर नहीं भीगी आपकी चोली, इतनी रूखी रूखी क्यों है आप। एक सेकेंड। हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी, आपको भी। आपने व्हाइट कुर्ता नहीं पहना। अरे भाभी जी, ये तो आपने पिछली होली में भी पहना था। हाँ पहना था, पहना था। मैंने तो स्पेशली मनीष मल्होत्रा से डिजाइन करवाया है। कैसा लगा? ओह नाइस, अच्छा लग रहा है काफी। वैसे कल ना आपका एक सीसो से पार्सल आया था, आप घर पे नहीं थे तो डिलीवरी वाले भैया ना मुझे दे गए। मेरा पार्सल? मैं लेकर आती हूँ, ये लीजिए। ओह यस यस यस, मैंने ना अपने मेड के लिए कपड़े मंगवाए थे, यू नो। ओके भाभी जी, मैं चलती हूँ, भिगवानी है मुझे अपनी चोली, वेट कर रहे हैं मेरी हम जोली। गुजिया में खाती नहीं, खाती हूँ भांग की गोली, फिर घूमूंगी गोली गोली, एक दिन उठेगी आपकी पिंकी की चोली, और कैसी थी मेरी दिवाली की रंगोली। लगता है मुझे कुछ हो रहा है। भाभी जी चलिए मैं चलती हूँ, बहुत हो गया भाई। मनीष मल्होत्रा के कपड़े तो नहीं। झूठी कंकी। पिंकी इस कच्चे में तो एक भी छेद नहीं है, अभी तो एक आधा साल और चला लेंगे पिंकी के पापा। बताओ ये टी शर्ट तो एकदम नई की नई है, डेली में पहन लेगी पिंकी, कौन फेंके। मम्मी इधर आओ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है, क्या हुआ करंट। मम्मी मेरा कलर नहीं निकल रहा, मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। मना करी थी पर मेरी औलाद कहाँ सुनती है, मना करी थी होली मत खेल मत खेल, पर नहीं होली का हुड़दंगा करना है। अब रुक कर दियूं। ये रो रही है, ये ले सर्फ, इससे साफ करके देख। ठीक है, इससे भी नहीं निकला मम्मी। नहीं निकला, ये ले इजी, इससे तो सब कुछ निकल जाता है, इससे करके देख। ठीक है, इससे भी नहीं निकला। नहीं निकल रहा, रुक, ये ले कपड़े धोने का साबुन, इससे करके देख, इससे तो निकल ही जाएगा। इससे भी नहीं निकला, इससे करके देख, इससे कपड़ों का कलर भी निकल जाता है, ये ले। इससे भी नहीं निकला, इससे करके देख, इससे तो खाल भी निकल जाती है, ये ले। इससे नहीं निकालूंगी। नखरे ही नहीं खत्म होते हैं औलाद के। आइडिया, एक मिनट रुक, ये ले बेसन, इससे तो निकल ही जाएगा, ये ले। ठीक है, इससे भी नहीं निकल रहा। नहीं निकलना, मैंने तो उससे कहा था होली मत खेल, पर तू मानी ना मानी, अपस्ता खोद का जब चिड़िया चुग गई थे। हो गई हैप्पी होली, करो आप जो करना है। मेरी शादी करा देंगे। आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना।